नमस्कार, मैं डॉक्टर संकल्प सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यामी फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर पे। तो ये सीरीज मैंने और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति सिंह ने काफी सोच समझ के चालू करी, जिसमें हम रियल केस सिनेरियोस डिस्कस करते हैं जो पेशेंट्स हमने असल में ट्रीट किए हुए हैं पहले। आज का केस है एजोस्पर्मिया के बारे में, स्पेसिफिकली वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। तो एजोस्पर्मिया का मतलब होता है कि जब शुक्राणु नहीं होते हैं जब हम सीमन सैंपल की जांच करें, और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब कि शुक्राणु ना होने का कारण कोई ब्लॉकेज नहीं पर उत्पादन कम हो रहा है, इस वजह से शुक्राणु नहीं मिल रहे हैं। तो ये 2013 में हमारे पास एक कपल आया, हस्बैंड वाइफ की उम्र अराउंड 30-32 होगी। तो उनको कई बार हस्बैंड ने टेस्टिंग कराई थी, उनको एजोस्पर्मिया आ रहा था कि भाई आपके अब कोई स्पर्म्स नहीं है। दो बार उन्होंने IVF एक से भी कराया बाहर दूसरे सेंटर पे, दोनों बार उनका टीसा प्रोसीजर हुआ जिसमें कि एक पतली सी नीडल लेके टेस्टिस में डालते हैं और स्पर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं, पर दोनों बार बदकिस्मती से कोई स्पर्म्स नहीं मिले, शुक्राणु नहीं मिले, तो प्रोसीजर कैंसिल हो गया उनका। जब दूसरा प्रोसीजर हुआ उसके 2 साल बाद वो हमारे पास आए कि कोई एडवांसमेंट हुआ है क्या टेक्निक में, मेडिकल फील्ड में, कि जिससे स्पर्म्स मिल सके, क्योंकि उनको डोनर स्पर्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो हमने फिर बोला कि भाई एक माइक्रोटीसा करके एक नया प्रोसीजर है, 2013 की बात कर रहा हूँ। हमने समझाया कि माइक्रोटीसा में मैग्निफिकेशन में 25 टाइम्स मैग्निफाई करके ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप में हम चेक करते हैं स्पर्म्स हैं कि नहीं टेस्टिस में ऑपरेशन करके, और अगर स्पर्म्स हैं तो उनको फिर हम निकालते हैं, और इसका सक्सेस रेट नॉर्मल जो टीसा प्रोसीजर नीडल वाला है उससे कहीं ज्यादा होता है, कम से कम 20-25% ज्यादा चांस रहते हैं स्पर्म मिलने के। पेशेंट तैयार था, वो करना चाहते थे प्रोसीजर, तो उनको डिटेल बताएंगे कि भाई आपके केस में अराउंड 30% चांस रहेगा स्पर्म्स मिलने का, शुक्राणु मिलने का। वो बोले ठीक है सर, हम चाहते हैं। तो हमने किया, वाइफ का हमने इंजेक्शंस दिए IVF के लिए, और फिर जब उनके फॉलिकल रेडी हो गए तो हस्बैंड का फिर हमने माइक्रोटीसा प्रोसीजर किया। अब इसमें एक खास बात ये थी कि हस्बैंड का FSH हार्मोन 84 आया था, 84। बहुत लोगों को ये धारणा रहती है जो कि मेरे हिसाब से गलत धारणा है, कि अगर FSH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ा है इसका मतलब शुक्राणु मिल ही नहीं सकते। तो ये गलत धारणा है, क्योंकि मैंने ये वाला केस किया था उसके पहले हमको 30-35 तक के FSH लेवल में शुक्राणु मिल चुके थे, पर इसका 84 था, तो बड़ा चैलेंजिंग केस था। मैं किया और हमको शुक्राणु मिल गए, और किस्मत से प्रेगनेंसी भी हो गई, उनको बेबी हो गया। इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे समय बीतता है नई नई तकनीकें आती हैं, उससे जिन लोगों को पहले सक्सेस नहीं मिली थी किसी भी कारणवश, उनको भी सक्सेस मिलने का चांस रहता है। तो अगर आप ऐसे केसेस में आते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करिए, पूछिए कि डॉक्टर साहब कुछ नई चीज आई है क्या जिसको हम लोग ट्राई कर सकें जिससे हमको सक्सेस मिल सके। हम आशा करेंगे कि आपको भी अपनी सक्सेस जो आप बच्चे के रूप में चाहते हैं वो मिले। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या फोन या वीडियो कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारी डिटेल्स दी हुई है वीडियो में। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति सिंह, हम लोग इंदौर में काम करते हैं, यामी फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर जो कि विजयनगर एरिया में। तो अगर हम किसी भी रूप में आपकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताइएगा। धन्यवाद।